एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीनम ब्लॉगर। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छी होंगी फ्रेंड, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो रात को हम लोग आ गए थे और सो गए थे। बच्चों ने ना रात को बहुत परेशान किया, बीहू ने खास करके। लेकिन जब नई नई जगह जाते हैं तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अब हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे चाय नाश्ता वगैरह करके। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेश वगैरह होने के बाद आ गए थे हम नाश्ता करने के लिए, और हम लोग बहुत रात की मतलब बातें कर रहे थे कि कितनी मस्ती करें हम लोगों। बाकी में शादी में मज़ा आ गया। और जो दीदी अभी आप हाई बोल रही थी ना, बस उनको तो आप पूछो ही मतलब उन्हें ना बस एक कॉमेडी करने का वो मिल जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसा देती हैं। तो मुझे तो उनके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और ये पास में जो दीदी बैठी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा स्वीट है। मैं इनसे दूसरी बार मिल रही हूँ बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा इनके साथ। और उसके बाद हम लोग जाएंगे खेत पे घूमने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं खेत पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मामा जी के खेत देखे नहीं थे, तो हम जा रहे हैं वही खेत देखने के लिए। तो हम लोग खेत पर यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख सकते हो कितना बड़ा खेत पे आलू बो रखे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इतना इतना बड़ा खेत है ना, बस मैं देखती रह गई कि इतने बड़े खेत में आलू और क्या बोलते हैं इसमें मटर वगैरह और धनिया और ग्वाल की फली वगैरह सब लगा रखे थे। तो यहाँ पर सब कट्टा लेके आ गए थे आलू के लिए कि चलो ग्वाल की फलियाँ। और यहाँ पर दीदी ग्वाल की फलियाँ तोड़ रही है हमारे साथ ले जाने के लिए, वही दिखा रही हैं। और मम्मी ने बहुत सारा बथुआ इकट्ठा कर लिया था कि कह रही थी कि पूरी बनाएंगे हम। तो ये देख सकते हो मम्मी धनिया और बथुआ। और मम्मी को ना बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद खेत पर आई, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मायके गई थी। तो यहाँ के बाद हम आ गए थे खेत पे घूमने के लिए और थोड़ी देर बाद हम लोग निकल जाएंगे। और खेत आप देख सकते हो कितना बड़ा खेत है और पूरे खेत में आलू उगा रखे हैं। और आज का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। कल भी बारिश हो रही थी बट बाद में ठीक हो गया था। और अभी वेदर बहुत ठंडा है और हम लोग खेत पर आए घूमने के लिए। तो बस पूछो मत, बहुत अच्छा लग रहा है पूरी फैमिली के साथ। और मम्मी अपने मायके में आई है, और पता है मैं अपनी मायके से आई हूँ तो मतलब मम्मी की मैं फीलिंग समझ सकती हूँ। और इतने दिनों बाद आना हुआ है तो इट्स कूल। मिस का कैसा लगा आपको अपनी नानी के घर आके? बहुत बढ़िया लगा, काफी टाइम बाद आए हैं खेत पे। पहले आप लोग आके चले जाते हैं? पहले आते थे, वहाँ पे आम का पेड़ खड़ा था सामने, यहाँ पेड़ लगा हुआ, यहाँ पे आम के पेड़ खड़े थे सारे। हम आते थे और हम यहीं बैठते थे, आम खाते थे आके। तो यहाँ पर मम्मी इकट्ठा करने लग रही हैं बथुआ और बहुत सारे धनिया। मम्मी कह रही हैं कि हम बथुए की पूरी बनाएंगे। और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। तो यहाँ पर सब गाड़ी में बैठ चुके। खेत पे से आ चुके हैं और पीहू को लग गई है भूख। और यह भाभी कर रही है खाने की तैयारी। क्या बनाया भाभी आपने खाने में? मैंने बनाए हैं उड़द और मैंने बनाए हैं दम आलू। रायता बनाया है। चलो मैं पीहू को पहले भूख दे रही हूं। बेटा बेटा मैं बुबू दे दूं। बुबू आपको खीरा और भी बहुत सैलेड की बहुत ज्यादा शौक है मुझे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। दीदी कहाँ गई? और ये हमारी भाभी जी इनसे मिली। हाय। तब हम हो गए निकलने के लिए तैयार, लेकिन मम्मी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमें जाना है अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। उन्हें पता नहीं है कि हम आज उनके घर आने वाले हैं। तो बस हम मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन मम्मी जो है मामी जी से बात करने में व्यस्त हैं। और अब हम निकल गए अपने सफ़र के लिए। तो यहाँ पर पीयू सो चुकी थी और मैंने उसको ना सुला दिया था, बहुत परेशान कर रही थी वो। और अब आ गए हम फ्रेंड्स, सब लोग आ चुके हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ से और हमारे छोटे से और क्यूटी से बाबू से भी मिली हो, और सबसे छोटे बाबू से और छोटे मेंबर से मैं आपसे मिलवाती हूँ। ये रहा हमारा छोटा सा बाबू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग गया। बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ। दीदी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हम छोड़ के जा रहे हैं ना। हाँ दीदी, मन नहीं हमारे दीदी बिल्कुल मन नहीं लग रही। आप आना, आप है ना हमारे घर। लग गया दीदी बहुत सैड हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं ना इसलिए उनका मन नहीं लग रहा। हम फिर आएंगे आप। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और आके ना ऐसा लग रहा है आपको फेस से पता चल रहा, बड़ी थकान सी महसूस हो रही है।
और अभी सामान सब निकाल के लेके आ रहे हैं गाड़ी में से। चलिए अब थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। कपड़ों को चेंज कर लिया है और आज ना वेदर बहुत ठंडा है, बारिश हो रही है बाहर, मतलब हल्की फुल्की बारिश हुई है। सुबह से पापा कह रहे हैं कि बारिश और हवा बहुत चल रही थी, तो कपड़े चेंज हो चुके हैं और ना फिर टोपा वगैरह लगाना पड़ रहा है और स्टॉल तोड़ना पड़ रहा है। किचन में आने के बाद सबसे पहले बनाई थी हमने सबके लिए चाय, तो चाय पीने के बाद सबको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सब बहुत थक गए थे ना, तो सफ़र में ज़्यादा थक भी जाता है, इतना घर के काम में नहीं थकते हैं। तो मम्मी चाय पीने के बाद चली गई थी गाय की तरफ दूध निकालने के लिए, फिर उसके बाद आई थी खाना बनाने की बारी। तो पापा से पूछा तो पापा ने कहा कि कुछ हल्का फुल्का बना लो, तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी तहरी। तो तहरी बहुत सिंपल है और सब बहुत थक भी गए थे, तो इसलिए बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाने का मन था, तो बस वो बनाई थी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय, टेक।